लॉकडाउन के दौरान बुधवार को निर्धारित मूल्य से अधिक दाम लेकर सब्जी बेचने की शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने मंडी के व्यापारियों से वार्ता की तथा मंडी निरीक्षक अंकुश श्रीवास्तव को शिकायत की हकीकत जानने के लिए जांच सौंपी, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडी निरीक्षक अंकुश श्रीवास्तव व सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा। पूरे मोहल्ले में सब्जी की कोई कमी बोल दिया गया, त्योहारों की जो बंदी होती थी वो भी बंद कर दिया गया है। मैं अंकुश श्रीवास्तव मंडी निरीक्षक हूँ। देखिए ऐसा है, प्रतिदिन जो है यहाँ मंडी में प्रातः जो है व्यापारियों और कर्मचारियों के सहयोग से रेट तय किए जाते हैं, प्रत्येक जिनसों के रेट तय किए जाते हैं। आज जो है अभी तक तो कोई शिकायत नहीं आई थी ऐसी, लेकिन आज जो है शिकायत आई है कि व्यापारियों द्वारा तयशुदा रेट से अधिक पर माल जो है बिक्री की जा रही थी। जो हमारे जो डोर टू डोर डिलीवरी के वॉलंटियर्स हैं जो जाके डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं उन्हीं के द्वारा शिकायत की गई है। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने निर्देशित किया है हमको, मैं आज इसकी जाँच करूँगा, सही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक थोक व्यापारी द्वारा जो भी रेट निर्धारित हुआ है सुबह उससे ज़्यादा पे सब्जी बेचने की शिकायत आई है, तो तत्काल प्रभाव से मंडी इंस्पेक्टर को इसकी जांच दे दी गई है और जो भी शिकायत करता है उसका बयान लेके और जो संबंधित व्यापारी उसका बयान लिया जाएगा। अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।